अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स ला इसको डिस्कस करना है कि चार्ल्स ला को ग्राफ की मदद से जाहिर करना पड़ जाए तो किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स ला चार्ल्स ला को ग्राफ की मदद से हम किस तरह जाहिर कर सकते हैं। सही, अब देखें ग्राफ हमेशा दो चीजें उसके अंदर होती है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक हमारे पास वाई एक्सिस होता है। ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह का बनता है, ये वाली चीज हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये हमारे पास आ जाती है एक्स एक्सिस। कहता आपने ना एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है टेम्परेचर, क्या लेना है टेम्परेचर, और टेम्परेचर लेना किस चीज में है, टेम्परेचर लेना है आपने सेंटीग्रेड में, किसमें, डिग्री सेल्सियस में या फिर सेंटीग्रेड में लेना है, और वाई एक्सिस के अलोंग आपने लेना है वॉल्यूम, क्योंकि इन दो चीजों के दरम्यान में हमने चार्ल्स ला के अंदर कंपेरिजन किया हुआ है ना, दो चीजों के दरम्यान में हमने कंपैरिजन किया हुआ है। सही है, y एक्सिस के लोग हमने क्या ले लिया, वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें लेना है सेंटीमीटर क्यूब में, किसमें सेंटीमीटर क्यूब में, बेशक डेसीमीटर क्यूब में ले लें ये आपकी मर्जी है, लेकिन टेम्परेचर आपने हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में। ग्राफ में इस ग्राफ की मदद से अगर केल्विन में लेंगे वो थोड़े से चेंज बनेगा। सही, ये हमारे पास आ गया जी x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब आपको पता है x एक्सिस के जहां पे आके मिलता है दो यहां बन जाते हैं, ये भी x एक्सिस ही है, ये भी क्या है, ये भी x एक्सिस है, लेकिन आप इसको कहते हैं पॉजिटिव में है, और ये वाला x एक्सिस क्या है नेगेटिव में। इस साइड पे जितनी भी वैल्यूज आएंगे वो नेगेटिव में आएंगे, वो किसमें आएंगे नेगेटिव में आएंगे। अब कहता है जब हमने ग्राफ ड्रा किया तो पता चला ग्राफ कुछ इस तरह बन रहा है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास 100, 200, 300, 400, 500, 600, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, 200, 300, 400, 500 डिग्री सेल्सियस, और सेम इसी तरह 100, 200, 300, यहाँ पे 100 डिग्री किसका है माइनस का है, यहाँ पे 200 डिग्री माइनस का है, सही, और यहाँ पे 300 डिग्री माइनस का है। ये बात आपने अच्छे तरीके से जहन में रख लेनी है कि माइनस के अंदर 100 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री सेल्सियस। कहता जब मैंने ग्राफ बनाया तो यहां पे इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बना, इस तरह का। अब देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमने कहा था वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर और सिंपली टेम्परेचर, का टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी हम किसी भी गैस का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसके मैं सिंपल तरीन एग्जांपल देता हूँ, ये आपकी कॉमन लाइफ में भी ये चीज यूज हो रही होती है। मसलन के बाद दफा ना गाड़ी चल रही होती है, टायर ब्रस्ट हो जाता है, इसकी रीजन क्या है, गाड़ी चलते वक्त टायर ब्रस्ट क्यों होता है। एक बात याद रखिएगा, टायर के अंदर होती है हवा, क्या होती है हवा होती है। अब हवा इसमें है क्या, गैस है या सॉलिड या लिक्विड है, गैस है, बिल्कुल सही है। अब देखिए इसका जब ये चलता है ना तो सड़क के साथ फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होती है, फ्रिक्शन की वजह से हीट, असल में क्या हो रहा है जी टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट पैदा होने से टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर तो आपका टायर है न्यू, वो इस आप देखें टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या करेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर तो आपका टायर है न्यू, वो इस वॉल्यूम को नहीं बढ़ने देगा, इस वॉल्यूम को नहीं बढ़ने देगा, अंदर जो इंटरनल साइड पे प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। सही है, मतलब देखें वो अपने आप को फिक्स कर रहा है, अब उसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा ना तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है टायर के अंदर ही। सही है, अब क्या हुआ, अब और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा, अगर टायर हुआ पुराना और इस प्रेशर को बर्दाश्त ना कर पाया तो वो फट जाएगा, अगर टायर न्यू हो तो वो कभी भी नहीं फटता, ये असल में रीजन है। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, बाद जब टायर होता है पुराना वो वॉल्यूम बढ़ने को रोक नहीं सकता, जिसकी वजह से ब्रस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रस्ट हो जाता है। अब यही रीजन है कि वो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है। कहता है ये वाला हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट
एक्सट्रापोलेट मतलब ये आप इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाएं तो आपको पता चलेगा ये वाली लाइन यहां पे कुछ आके मिल रही है यहां पे। सही। अब यहां पे जो टेम्परेचर देखा गया, अब यहां पे याद रखिएगा यहां पे वॉल्यूम की वैल्यूज हैं, यहां पे वॉल्यूम की वैल्यू मैं कहता हूं यहां पे 10 है, यहां पे 20 है, यहां पे 30 है, यहां पे 40 50 60 70 80, यहां पे 100 है सेंटीमीटर क्यूब। सही है। अब देखिए मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ग्राफ को लेके आया, लेके आने के बाद यहां पे देखिए यहां पे वॉल्यूम क्या है, यहां पे टेम्परेचर क्या है, जीरो। अब देखें 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस यहां पे टेम्परेचर क्या है जी, 0 डिग्री सेल्सियस पे। क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम जीरो है? कैसे जी? जी? नहीं, क्यों? देखें आपने ना, आप देखें आपने असल में ग्राफ पे तवज्जो देनी है, तो ये पूरी लाइन पे तवज्जो देनी है। अगर मैं कहता हूं 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कि ये वाला पॉइंट है, हमने ग्राफ पे देखना है, लाइन पे देखना है, आप यहां पे नहीं देखेंगे। अब देखिए ये वाला ग्राफ, यहां पे वैल्यू क्या आ रही है, मैं कहता हूं यहां पे 25 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहां पे टेम्परेचर तो जीरो है, यहां बिल्कुल नीचे लेके आएंगे, लेकिन वॉल्यूम क्या है, अभी जीरो नहीं हुआ, लेकिन मैं इसको पीछे की तरफ लेके आ रहा हूं, और ज्यादा पीछे इस टेम्परेचर पे लेके आया। ये टेम्परेचर कौन सा है, इस टेम्परेचर को आपने याद रखा -273.16 डिग्री सेल्सियस है। क्या है? -273.16 डिग्री सेल्सियस। अब देख लें ये पीछे आके बिल्कुल एक्स एक्सिस पे आ रहा है। अब यहां पे इसका वॉल्यूम चेक करें, यहां पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। हमने इस तरह अंदाजा लगाया कि कोई भी गैस लेंगे ग्राफ की वजह से, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं है, हमने ग्राफ बनाया गैस का, ग्राफ बनाने की वजह से हमने कहा जी इसको थोड़ा सा पीछे लेके आएंगे, यहां पे आके इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो तो जाएगा। माइनस सही है। माइनस में जब भी जाएगा वो जीरो ही होगा, कंसीडर हम जीरो करेंगे। किसको? जब हम पीछे की तरफ ग्राफ को लेके जाएंगे, कहीं पे भी आया थी इधर पे भी आया ना इधर। नहीं, हमेशा 273.16 पे ही आएगा। और इसी को लेके जाएंगे। हाँ, बहुत दफा एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास यहां तक वैल्यूज आई, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ये खुद बढ़ा के चेक किया जब बाकी बिल्कुल 273 माइनस का डिग्री सेल्सियस आ रहा है, और इस पे क्या हो रहा है जी, वॉल्यूम जीरो हो रहा है। हमने यहां से अंदाजा लगा रखा है कि अगर गैस का हम, ये अटेनेबल नहीं है, ये वाला टेम्परेचर अटेनेबल नहीं है, ये बात पहले आपने जहन में रख लेनी है, इस टेम्परेचर को आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते। जो लोवेस्ट टेम्परेचर अभी तक हासिल हो चुका है ये असल में है 0 केल्विन, इसको और हम क्या कहते हैं, और 0 केल्विन। अब जो अभी तक जो लोवेस्ट टेम्परेचर हासिल हो चुका है वो है, आगे जाके आएगा वो है 10^-5 केल्विन। अभी तक ये सबसे कम टेम्परेचर हासिल हुआ है, इससे कम नहीं हुआ। आप कहें लो जी, आप कहते हैं आप इस दोनों में ना, किसी बच्चा जो अक्लमंद है ना, मुझे उस बच्चे ने बताना है ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वाली छोटी है, ये वाली छोटी है। बच्चे ने कहा जी ये वाली छोटी है, ऐसा ही है। मैं कहता हूं ये वाली छोटी है, 0 केल्विन वाली छोटी है, मैं प्रूव कर सकता हूं, ये देखिएगा, ये है 0.00001, ऐसा ही है, और ये है जीरो। बताया कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, माइनस को ना चेक करें, उसका मतलब चेक करें कौन सी छोटी है, माइनस वाली क्यों? ये वाली छोटी है, क्योंकि वो जीरो से पीछे नहीं जा ये रहा। माइनस में नहीं है, ये अभी भी प्लस में है, ये प्लस का है, इसको हरगिज ना जानी है, ये तो एक्सपोनेंट में दिया गया है कि इसके आगे इतने जीरो आ रहे हैं, तो ये अगर ये माइनस में होता तो फिर ये बात है कि याद रखिएगा, अगर वैल्यू माइनस में आती है तो वो जीरो से छोटी होती है, अगर प्लस में आ रही है वो जीरो से कभी भी छोटी नहीं होगी। अब बड़ी है उसमें से। सही है। बाजार बात ये पॉजिटिव है तो जीरो से बड़ी होगी, जीरो से हमेशा बड़ी होती है, जो पॉजिटिव वैल्यू आती है वो हमेशा जीरो से बड़ी होती है, हमारे पास अभी तक इसको जीरो नहीं कर सके, इतने कैल्विन आया है इसको 0 केल्विन तक अभी तक हम नहीं पहुंच सके, इसके रीजंस हैं क्यों नहीं पहुंच सकते हम। चले जी हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वही चीजें स्टार्ट करनी है जी, एक्स एक्सिस के अलोन कौन सी चीज ली है और टेम्परेचर
वॉल्यूम और टेम्परेचर का हम ग्राफ ड्रा किया है, एक्स एक्सिस पे कौन सी चीज ली है, वाई एक्सिस पे कौन सी चीज ली है, ग्राफ किस तरह का बना, अगर हम इसको एक्सट्रापोलेट करते हैं किस टेम्परेचर पर वॉल्यूम जीरो हो जाता है और उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, सही है। अब उसको अटेन क्यों नहीं किया जा सकता, चंद एक रीजन हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। और लास्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि जो चार्ल्स लॉ है ये इट इज ओनली एप्लीकेबल इन केल्विन स्केल नॉट इन अ सेंटीग्रेड स्केल, किसको हम सेंटीग्रेड स्केल के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं है, सही है। हम आपके बुक से ये कोई एक आधी एग्जांपल देके इसको सॉल्व आउट करके हम चेक कर लेंगे। चले जी स्टार्ट करते हैं इसके बारे में लिखना। सबसे पहली बात कि हमने ग्राफ ड्रा किया दो चीजों के दरम्यान में, इन चार्ल्स ला, चार्ल्स ला के अंदर रिलेशनशिप जो चीज पड़ी है, इन चार्ल्स ला में वी रिलेट, हम क्या कर रहे होते हैं, रिलेट कर रहे हैं, वी रिलेट किस चीज को रिलेट कर रहे थे, वो रिलेट वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, हम दो चीजों को रिलेट कर रहे होते हैं टेम्परेचर, पहली बात ये। सेकंड नंबर पे हमने ग्राफ ड्रा किया दो चीजों के दरमियान में, वो भी वी ड्रा अ ग्राफ बिटवीन, वी ड्रा अ ग्राफ, हमने एक ग्राफ ड्रा कर लिया है किसके दरमियान में, बिटवीन टेम्परेचर, टेम्परेचर में, टेम्परेचर एंड, और सेकंड नंबर पे हमने ड्रा किया है जी वॉल्यूम में। अब नेक्स्ट बात के एक्स एक्सिस क्या लोग हमने लिया है टेम्परेचर, वाई एक्सिस के लोग वॉल्यूम लिया है, वी टेक हम ले रहे हैं कौन सी चीज, वी टेक टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस, टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। चलिए ये बात भी कर ली। इसके बाद नेक्स्ट बात, ग्राफ किस तरह का बना हमारे पास, स्ट्रेट लाइन, क्या बना है, स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन इज फॉर्म्ड, या अ स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन इज फॉर्म्ड, लाइन इज फॉर्म्ड। अब किस किस के दरमियान स्ट्रेट लाइन बन रही है, बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनी है। अगर हम स्ट्रेट लाइन को एक्सट्रापोलेट, एक्सट्रापोलेट होता है बढ़ाना, वो आपने मे भी इंग्लिश के अंदर पढ़ा होगा, वो होता है बातचीत को बढ़ाना, बात का बतंगड़ बनाना, सही है, एक्सट्रापोलेट इसको कहते हैं। अब आपने क्या करना है, कहता हमने अगर एक्सट्रापोलेट करें लाइन को पीछे की तरफ, तो ये आके -273.16 डिग्री सेल्सियस पे एक्स एक्सिस को आके कट करती है। आप देखें ये वाला पूरे का पूरा मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन पूरी की पूरी मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, यहां पे आके क्या कर रही है, कट कर रही है, कट इसको कहते हैं, यहां पे आए कोई लाइन ऊपर से आके ये कट होगा, ये देख रहे हैं वहां पे जाके क्या कर रही है, कट कर रही है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर यहां तक हम टेम्परेचर ले जाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चले ये वाली बात भी आप लिखें, When we extrapolate, extrapolate the graph, graph, then, तो फिर क्या होता है जी, the temperature या the graph, then the graph, तो फिर graph क्या कर रहा था, graph cut the x-axis, कट द एक्स एक्सिस, ये वाले एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस कहां पे कट कर रहा है, वो टेम्परेचर आपने बताना है, कट द एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एट -273.16 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये बात आपने लिख देनी है। अब एक और बात कहता है, अगर हम अमाउंट, अब देखें मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया चार्ल्स लॉ का, उसमें गैस है, आप देखें यही अंतर है एक्सपेरिमेंट, आप एक सिलेंडर लें जिसका पिस्टन क्या कर सकता हो, मूव कर सकता हो, इसके अंदर गैस ली हुई है, मैंने पहले ले लीजिए एक मोल, अब देखें मुख्तलिफ गैसेज के एक मोल मुख्तलिफ होता है, हाइड्रोजन का एक मोल एक ग्राम के बराबर होता है ऑलमोस्ट, सही है। अब मैंने एक मोल ले लिया गैस का,
इसको गर्म किया, मैंने सारी की सारी ऑब्जर्वेशन ली, ग्राफ बना लिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया जी, एक मोल की बजाय दो मोल ले लिया। अब मोल है क्या असल में, क्वांटिटी है गैस की, क्वांटिटी है गैस की, सही। अगर मैं हाइड्रोजन के दो मोल लेता हूँ वो 2 ग्राम के बराबर होंगे, पहले मैंने 1 ग्राम लिया बाद में 2। अगर मैं ऑक्सीजन गैस ले रहा हूं तो पहले मैंने उसके 16 ग्राम लिए बाद में 32 ग्राम ले लिए, सही है। अब मैंने क्या किया, मिकदार बढ़ा दी है, गैस की मिकदार बढ़ा दी। अब गैस की मिकदार बढ़ाने के बाद हमारे पास ग्राफ पे क्या असर पड़ेगा, कहता है इसकी स्लोप इंक्रीज हो जाती है। अच्छा स्लोप क्या होती है, स्लोप कहते हैं ढलवान को। अब खुद चेक कीजिएगा, मैं 2 लाइनें बनाता हूं, मैं कहता हूं जी एक घर, घर में ना हमेशा जो जब घर में इंटर होते हैं हमेशा वो कोशिश करते हैं कुछ इस तरह की बनाई जाए, इस तरह कभी भी नहीं कोशिश करेंगे, सही है। अब ये बनी एक लाइन है, इस लाइन पर गौर करना है, इस लाइन पे, और किसी चीज पर गौर नहीं करना, इस लाइन पे। अब इन दोनों में से ढलवान ज्यादा किसकी है, ज्यादा ढलवान, ढलवान ज्यादा इसकी है। ये देखें सडनली नीचे की तरफ है, ढलवान कहते हैं जो तिरछा हो काफी ज्यादा सडनली नीचे आ जाए। अब इसमें ढलवान कम है, ये ऐसा 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 नीचे आ रहा है, हाँ सही है। स्लोप कहते हैं इसको, ढलवान को कहते हैं। अब इसकी स्लोप कम है, इसकी स्लोप क्या है, ज्यादा है। कहते जब हम क्या करते हैं जी, मैस ऑफ गैस बढ़ा देते हैं तो फिर जो स्लोप बनती है, ये देखें इसकी स्लोप जो बनी है, अब जब हम मैस बढ़ाया तो इसकी जो स्लोप बनेगी वो ज्यादा होगी, सही क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिख रहा हूं, सही है। व्हेन वी इंक्रीज, व्हेन वी, जब हम बढ़ा देते हैं, व्हेन वी इंक्रीज, जब हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज द कंसंट्रेशन या इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस, जब हम गैस की मिकदार बढ़ा देते हैं तो फिर क्या होता है गैस, देन द स्लोप, तो फिर क्या होता है स्लोप ऑफ ग्राफ, जो ग्राफ की स्लोप होगी इज इंक्रीज्ड, इज आल्सो इंक्रीज्ड, सही है। मतलब क्या इंक्रीज होने का, कि पहले आपके पास ग्राफ ये बन रहा था, जब आप अमाउंट ऑफ गैस बढ़ाएंगे आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह का बनना शुरू हो जाएगा, आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह का बना। अब देखिए इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप कम है, ढलवान जिसको कहते हैं, इसकी ढलवान कम है, इसकी ढलवान ज्यादा है। लेकिन कहता है खास बात यह है कि हमने ग्राफ वो माउंट बढ़ाई है लेकिन पीछे जाकर एक्स्ट्रापोलेट किए फिर भी -273.16 डिग्री सेल्सियस पे जाके एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, क्या कर रहा है, कट कर रहा है। अब यही बात लिखनी है, ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब क्या होता है, अगरचा, ऑल्दो वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गैस, वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गैस, अगरचा हमने गैस की मिकदार बढ़ाई, अमाउंट ऑफ गैस, गैस की मिकदार बढ़ा रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है जी, गैस, बट द ग्राफ कट, तो फिर भी ग्राफ आपका कट कर रहा है, ग्राफ कट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कहां पर, एट, कहां पे कट कर रहा है जी, कहां पे, -270, एट -273.16 डिग्री सेल्सियस, सही। लेकिन इसका क्या मतलब है कि अमाउंट पे भी डिपेंड नहीं करता, जो मर्जी अमाउंट ले लें वो गैस का जीरो वॉल्यूम हो जाएगा, जीरो डिग्री, जीरो केल्विन पर या -273.16 डिग्री सेल्सियस पे। अब रीजन ये आती है, आप देखें मैं बात कर रहा हूँ गैस की, हमेशा गैस का वॉल्यूम जीरो होगा, कभी भी लिक्विड का वॉल्यूम जीरो नहीं होता। आपने ये पढ़ा हुआ है कि लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के अंदर आपने ये बात डिस्कस किया। असल में होता यह है कि जब हम गैस को ठंडा करते हैं ना, अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर माइनस में लेके जा रहा हूँ, सही है। आपकी फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो -5 डिग्री सेल्सियस या -10 डिग्री सेल्सियस ऊपर वाले खाने का होता है, सही है। अब ऊपर वाले खाने के अंदर इतना टेम्परेचर है जिसकी वजह से जो आपका लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर चेंज होता जा रहा है, लिक्विड जो है वो
वो सॉलिड में चेंज होता जाता है। इसी तरह जो गैसेस होती है वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाती है। अब देखिए कहते हैं हम तो गैस का वॉल्यूम जीरो तब ही कर सकते हैं। अब देखें मैंने गैस ली है, गैस का टेम्परेचर कम किया है तो वॉल्यूम कम होगा, सही है। अब वो रहे तो गैस ना, लेकिन वो क्या होती है लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाती है, वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाती है। अब वो गैस रहती नहीं है, जब वो गैस नहीं रहती तो हम जीरो डिग्री ये वाला टेम्परेचर अटेन ही नहीं कर सकते, ना अटेन होगा ना ये वॉल्यूम आएगा। इसलिए हमने कहा जी ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर सिर्फ ख्याली है, सही है। इसको वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन ये हाइपोथेटिकल, देखिए मेरा शुरू से वर्ड एक हाइपोथेटिकल 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 ख्याल है बस, सही है। अब देखें हमने उन्होंने क्या किया जी ग्राफ से इसको एक्सप्लेन किया है बस। बाज दफा देखें एटम का सबसे पहले ख्याल किसने दिया था, डेमोक्रेटिक्स ने सबसे पहले एटम का ख्याल दिया था। ख्याल कहते हैं किसका कि सोचना ये चीज हो सकती है, लेकिन हम देख लें वो चीज है। एटम का सबसे पहले ख्याल देने वाला साइंटिस्ट डेमोक्रेटिस था। कम से कम आपको तो पता हो है? सही, आप देखें आप चंद एक चीजें रह गई हैं जो चीजें हमने डिस्कस करनी है। लास्ट में एक पॉइंट लिखते हैं जी कि हम क्या करते हैं जब गैस को ठंडा करते हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। जब वो लिक्विड में चेंज हो जाती है बहुत सारी गैसेज हैं, आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड जिसको आप ड्राई आइस कहते हैं, सही है, ड्राई आइस जिस कार्बन डाइऑक्साइड जो कोने वाले फिर नहीं हो रहे होते हैं वो रेड से बॉक्स के अंदर लेके वो साइकिल पे उसके अंदर होती है ड्राई आइस। वो क्या होता है ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उन्होंने सोलिडिफाइड सॉलिड में चेंज किया होता है और उसका कभी भी पानी नहीं बनता, उसकी वो खोल के दे उसके अंदर पानी नहीं होता, ड्राई आइस रखी होती है, सही है। वो जब भी खोलेंगे ना ऊपर से वो धुआं सा निकल रहा होता है, वो असल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। हाँ वो पहले वो सब्लिमेशन होती है डायरेक्ट, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, जिसके वरना तो वो कोने वगैरह के अंदर पानी वगैरह गया हो आप कभी खाए ना, सही है। इसलिए होता है आप यहाँ पे यही चीज लिखनी है क्या अल्कोहल, देखे कुछ गैसेज ऐसी हैं, अब कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जो बहुत जल्दी वेपोरेट हो जाते हैं, मसलन इथर और सॉरी स्प्रेट स्प्रेट इथर भी है। अब स्प्रेट को हाथ पे डालते हैं वो जल्दी उड़ जाते हैं, उनका क्या मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे अब बात आ जाती है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की, कुछ के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी गैस में चेंज हो जाते हैं, सही है। अब कुछ गैसेज हैं वो गैसेज में, अब अमोनिया है ना, अमोनिया हमेशा गैस की फॉर्म पाई लेकिन लिक्विड फॉर्म में भी पाई जाती है, लेकिन वो जल्दी उड़ जाती है। जैसे आप उसको बोतल को ढक्कन खोलेंगे ना वो जल्दी उड़ जाएगी, वो पूरे रात खुला रहे ना वो सारी की सारी खत्म हो जाएगा अमोनिया। पूरे शीशी में जो रखा है सही है, उनका टेंपरेचर लो करके लिक्विड, हाँ इसी तरह रखा है। चले जी एक लास्ट वाली बात लिख रहे हैं, बाद में आप चले जाना। लास्ट वाली बात ये है कि विद द डिक्रीज ऑफ टेंपरेचर ऑफ गैस, विद द डिक्रीज ऑफ टेंपरेचर ऑफ गैस, टेंपरेचर गैस का डिक्रीज करने से The gas change into liquid. गैस आपकी लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाती है, that's why. इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, that's why the volume of gas cannot be zero. अब देखिए क्यों नहीं जीरो होता है, क्योंकि हमने कहा है जी लिक्विड का एक मखसूस वॉल्यूम होता है। अब देखिए जितना भी वो चेंज होगा वो उतने का उतना ही रहेगा, तो ये वाली चीजें चंद एक हमारे पास। लास्ट कल को हम ये डिस्कस करेंगे कि चार्ल्स लॉ सेंटीग्रेड स्केल के लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं है, अगर हम उसमें कैलकुलेट करते हैं ये रॉन्ग आता है। उसके लिए हमने एक और स्केल बनाया है केल्विन स्केल, ये नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक भी यही है, स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री, सही है, तीन है, कल को इनको डिस्कस करेंगे साथ में ये डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।